press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू क्रिकेट दीवानगी और चैंपियंस ट्रॉफी 1 जून से जो है स्टार्ट हो रही है. वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद जो कि तीनों फॉर्मेट्स पाकिस्तान ने जीते वेस्ट इंडीज में, T20s, ODIs और टेस्ट, और अब देखना यह है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान कैसा जो है फेयर करता है. और सबसे पहला मैच भी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इंडिया के खिलाफ है. उससे पहले 2 वार्म अप मैचेस हैं पाकिस्तान के बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं एक्स क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब, जिनसे मैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पूछूंगी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका जलालुद्दीन साहब. अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, पहला ही मैच जो है हमारा वो इंडिया के खिलाफ है. और टूर्नामेंट्स में एज यूजुअल पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ कोई इतना जबरदस्त नहीं है, इंडिया की टीम भी काफी स्ट्रांग है. लेकिन इस वक्त जो करंट स्क्वाड जो आप देखते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा स्क्वाड इन सारी टीमों को देखते हुए कोई इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं वो आजकल के डेज में उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जाती. हम बॉलें ज्यादा कंज्यूम करते हैं और रन्स कम बनाते हैं. फिर हमारे जो प्लेयर हैं वो जो वनडे क्रिकेट के हवाले से जितने स्किल्ड होने चाहिए उतने स्किल्ड नहीं है, तो चांसेस अपेरेंटली जो है वो तो बिल्कुल कम है जीतने के. पूरे टूर्नामेंट के हवाले से अगर बात करें और खासतौर से अगर इंडिया के हवाले से भी बात करें तो एज उन्हीं को है, यानी इंडिया को एज है, क्योंकि वो हर लिहाज से इस सब बेहतर क्रिकेट खेल रहा है. तो हम ज्यादा इसको ज्यादा खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए. हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैच के दौरान होती है, वो अगर हम करने में कामयाब हो गए, किसी प्लेयर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो जाए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच हो जाए, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक से पहले जो है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से डिस्कशन हो रही थी. लेटेस्ट जो खबर आई है वो भी यही है कि उमर अकमल ने अपना फिटनेस टेस्ट जो है एक बार फिर से फेल कर दिया है. 2 मौके उनको अभी तक दिए गए हैं और जाने से पहले उन्होंने पास किया जो कि एक क्राइटेरिया था उनकी सिलेक्शन का, और यहां आके दोबारा से उन्होंने 2 उनको चांसेस दिए गए, 2 उन्होंने जो है दोनों दफा फेल कर दिया है. तीसरा चांस शायद उनको दिया जाएगा और ये है कि अगर तो वो पास कर लेते हैं तो शायद उनको स्क्वाड में रखा जाए, लेकिन अगर ना करें तो ये भी है कि उनको वापस भी भेजा जा सकता है. खैर, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का मैच जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है. एज वी ऑल नो, इट इज द मैच दैट वी ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू. एक्स टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान साहब जो है हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं. मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और पाकिस्तान और भारत का मैच एक बार फिर से इतनी पॉलिटिकल टेंशन्स में भी जो है टूर्नामेंट में ही मुझे लगता है कि अब हम मिलते हैं, तो इंडिया की टीम एज यूजुअल वेरी स्ट्रांग. पाकिस्तान की टीम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैच के बारे में ही कह दूं कि बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ा इंपॉर्टेंस का मैच होता है, बल्कि दुनिया के हर मैच को ये सुपरसीड कर गया है. इसकी इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है क्राउड वाइज भी, मीडिया वाइज भी, हर तरीके से. और फिर जो एक एंथुसियाज्म नजर आता है दोनों तरफ से, वो एक बहुत बड़ा इसमें एक पार्ट प्ले करता है. मैं कहूंगा इंडिया की देखिए टीम अच्छी है और उनकी उनका पहले पेस अटैक कमजोर हुआ करता था, वो भी अब अच्छा खासा हो गया है. स्पिन अटैक भी अच्छा है, बैटिंग लाइनअप उनकी डेप्थ है उनमें काफी. हमारी टीम मैं समझता हूँ किसी हिसाब से भी जैनब कम नहीं है. अगर हम अपनी एक तो अब ये डिपेंड करता है थोड़ा सा कि इंग्लैंड में क्लाइमेट कैसा है, समर कैसा होगा. अगर अच्छा समर होता है तो पिचेस बड़ी अच्छी बैटिंग पिचेस मिलेंगी, वहाँ अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन अगर क्लाउडी होता है, रेनी मौसम होता है, बारिशें होती हैं, तो वहाँ पे स्विंग और ये सारी चीजें बड़ा मैटर करेंगी. लेकिन एक बहुत जरूरी बात मैं यहाँ का जैनब कौन कहना चाहूंगा आपके जरिए पूरे अपने पाकिस्तानियों से, कि हमारा टारगेट इंडिया क्या हो, ऑस्ट्रेलिया क्या हो, इंग्लैंड क्या हो, जो टीम सामने आए उसको हराना है. हमारा टारगेट होना चाहिए कि इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है. तो हमारे रास्ते में कोई भी आएगा तो उसे हमें जीतना है.